रूपल और मैं देविक और मेरी मम्मी रूपल। हाँ तो आइए फ्रेंड, पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करते हैं। और ये वीडियो है डिफेंस डिटेक्टिव की तरफ की वीडियो है, और ओरिजिनल वीडियो की हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप जरूर ओरिजिनल चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे पाकिस्तानी दर्शक अपने कमेंट्स में लगातार लिख रहे हैं कि 71 की जंग को छोड़ दें तो पाकिस्तान ने हर जंग में भारत को शिकस्त दी है, हराया है। तो दोस्तों, आज इन पाकिस्तानी दर्शकों की बोलती बंद करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। आज से मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें हिंदुस्तान का एक भी शख्स इन चारों जंगों के बारे में नहीं बोलेगा, बल्कि खुद पाकिस्तानी अपनी पोल खोलेंगे। पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी नेवी, पाकिस्तानी सरकार, उनकी खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तानी पत्रकार बताएंगे कि भारत से हुई चार जंगों का नतीजा क्या रहा है। अगर पाकिस्तान के मेरे दर्शक सबूतों के साथ बने इस वीडियो को भी नहीं मानेंगे तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, सच को मानना ही नहीं चाहते। तो सीरीज़ के पहले वीडियो में बात करगिल जंग की। इंडियन फौज वापस चला गया, पोस्ट पर कब्जा नहीं किया। 3 दिन तक मैं वहाँ पर पड़ा रहा सर, 3 दिन तक। मैं रिपोर्ट दे तो गया, अभी आकर आपको ले जाएंगे, दूसरा दिन तीसरा दिन किसी ने नहीं ले गया सर। 3 दिन के बाद फिर अटैक हो गया, पोस्ट कब्जा हो गया सर। दूसरा दिन फिर एक इंडियन फौजी आ गया सर, करीब आ गया तो मैंने उसको बताया भाई मैं जख्म है, मुझे नहीं मार रहा है। पाकिस्तानी फौजी हुनर शेर ही नहीं, कई और जवान जिन्हें भारत की सेना ने पकड़ा, उन्होंने यही बातें कही। ये सब करगिल जंग की जंग में युद्धबंदी थे। पाकिस्तान की फौज ने इन्हें लड़ने तो भेजा था, लेकिन जंग में इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया था। अब सर नहीं ले गया, अच्छा नहीं होने की वजह से नहीं ले गया, नहीं तो 3 दिन में ले जाना चाहिए जख्मी को। अगर अच्छा होता तो 3 दिन तक एक जख्मी कैसे नहीं ले जा सकते। लड़ाई करना जानते हैं सर, जख्मी ले जाना, डेड बॉडी ले जाना नहीं जानते। तो दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी कितनी अनप्रोफेशनल है इसका अंदाज़ा आपको करगिल जंग के इन POW यानी प्रिजनर ऑफ वॉर की बातों से हो गया होगा। भारत ने इन सभी जवानों का इलाज कर वापस पाकिस्तान को सौंप दिया था। इस सबूत को देखने के बाद पाकिस्तानी दर्शक कहेंगे कि जबरन बयान लिया गया होगा, लेकिन दोस्तों सच ये है कि पाकिस्तानी फौज के इन जवानों ने अपनी ही फौज की पोल खोल दी। अगर ये सबूत भी नहीं मानते हैं आप तो मेरे पास आज सबूतों की लंबी फहरिस्त है। जो झूठी बात करगिल जंग के बारे में आपके दिमाग में भरी गई है ना, आज उनको हटाने का वक्त है। पहले आपको सुनाते हैं आपके ही पाकिस्तानी सरकार, फौज और पत्रकारों की जुबानी कि करगिल में हुआ क्या था। हमारा बड़ा नुकसान हुआ, जानी नुकसान। हमने केटर नहीं किया था, जो लोग ऊपर बैठे थे सप्लाईज नहीं पहुँचा सके थे, हमारा ख्याल ही नहीं था। इंडिया तो बोफोर्स गन लेके आ गया, एयरफोर्स लेके आ गया, उनका ख्याल था कि थोड़े से होगा, तो ये तो बड़ी फ्लॉड अजम्पशंस थी। अगर आप कहें ना कि एक चीज़ क्या थी जिसने टर्न अराउंड किया सिचुएशन को, वो थी कि बोफोर्स गन्स इंडियंस ले आए थे, वो अब हाईवे पे जो पाकिस्तान के तरफ ब्लॉक करेंगे। और इंडियन जो अकाउंट्स हैं वो भी, और जो पाकिस्तानी जब मैं बात करती हूँ उनसे वो भी, उन दोनों तरफ से ये बात कन्फर्म हुई कि उन्होंने बोफोर्स गन्स जो थी उन्होंने पहाड़ों की चोटियों के रास्ते उधेड़े, क्योंकि और उन्हें कोई, और ऊपर से नॉन स्टॉप, मतलब जब मौसम होता था इंडियन जो एयरफोर्स थी वो देवर
पाउंडिंग एंड पाउंडिंग। इंडियंस के पास रीइंफोर्समेंट भी थी, सप्लाईज वो रीकैप्चर कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। हमारे पास सप्लाईज भी नहीं थी, हमारे रेशंस खत्म हो रहे थे, वी वर डग इन, हमारे पास रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे और लॉसेस, मैसिव लॉसेस हो रहे थे बिकॉज वी वर इन बंकर्स। और वो कोई बाहर निकलते तो वो उनके एयरफोर्स ऊपर फिर रही थी। सो मतलब वी वर बींग पाउंडेड। और तो उस वक्त हमारी जो कैजुअलिटीज थी बढ़ रही थी और लोगों हमारे सोल्जर्स के रेशंस हैड रन आउट, स्टार्वेशन वाज सेटिंग इन, टेक्निकली बड़ा बुरा हाल हो चुका था। तो जमीन से बोफोर्स तोपों और आसमान से इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी फौज का हाल बेहाल कर दिया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें, न बचने का रास्ता था न भाग निकलने का। गोलियां नहीं थी, गोला बारूद नहीं थे, राशन नहीं था, पाकिस्तानी फौज भूखों मर रही थी। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी फौज के कुछ जवान भूखे पेट भी लड़ने को तैयार थे। उनकी तारीफ तो बनती है क्योंकि वायरलेस पर वो रोटी नहीं गोली मांग रहे थे। वाकई फिर एक मरहला ऐसा आया कि उनके पास खाने के लिए भी नहीं था, लेकिन आप सलाम करें उनकी बहादुरी को कि जब उन्हें कोई मौका मिलता था तो वो खाने को नहीं मांगते थे, वो एमुनिशन मांगते थे। हाँ, ये आपने लिखा है कि आप हमें एमुनिशन। सिंध रेजिमेंट के दो जवान थे जो आपने लिखा है कि दो जवान जो दो दिन लड़ते रहे उनका एमुनिशन खत्म हो गया था और दो दिन के बाद जब उनको कमक पहुंची तो उन्होंने कहा कि खाना नहीं चाहिए हमें, गोलियां दो, गोलियां गोलियां। मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, इन सबूतों पर यकीन कर रहे हैं ना? दिल तो जल रहा होगा, दर्द हो रहा होगा अपनी नकारा फौज की पोल खुलते हुए देखकर। जनाब, अभी तो जो सबूत मैंने पेश किए हैं वो कुछ नहीं है, आगे तो ऐसी ऐसी बातें आपके ही पाकिस्तानी कहने वाले हैं जिनसे आपकी आर्मी की दिमागी हालत का पता चलने वाला है। अभी तो आप ये सुनिए कि करगिल में आपकी फौज को अपने कितने जवानों से हाथ धोना पड़ा। और जब वो आए तो हाँ, कैजुअलिटीज़ हुई हैं बहुत, नंबर्स का नहीं पता चलता। इन लोगों को कोई कहता है 300, कोई कहता है 2000, ये नंबर्स का नहीं, 2000 तो हो ही नहीं सकते, इतने तो गए भी नहीं थे। लेकिन शहीद हमारे ये फौज की, अपने लोगों से मैं बात करूँ, वो कहते हैं कि शायद ईस्ट पाकिस्तान में हमारे इतने शहीद हुए जितने यहाँ शहीद हुए, तो एक बहुत बहुत बड़ा ब्लंडर। कह रहे हैं सिर्फ 270 कैजुअलिटीज हुई पाकिस्तानी फौज, नहीं 1000 से ज़ायद कैजुअलिटीज हुई हैं हमारी। 1000 से ज़ायद कैजुअलिटीज हुई हैं। अगरचे इसका जितना भी डाटा है ये इन्होंने छुपा लिया है, बाद में इसको एक्सेस नहीं उससे मिल सकी। पाकिस्तानी जवानों के मरने से याद आया, पाकिस्तानी फौज अपने आप को प्रोफेशनल कहती है ना। मेरे पाकिस्तानी दर्शकों को भी अपनी सेना पर बड़ा गुरूर है, होना भी चाहिए, लेकिन दोस्तों अंधा गुरूर नहीं होना चाहिए। जनाब, आपकी आर्मी ने तो अपने ही जवानों की लाशों को लेने से मना कर दिया। प्रोफेशनल होना क्या होता है उन्हें भारत की सेना से सीखना चाहिए। दुश्मन सैनिकों की लाशों का भी भारतीय आर्मी ने सम्मान किया, उन्हें पूरे सम्मान और धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक दफनाया। सेना चाहती तो पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें वैसे ही छोड़ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जनाब, ये होता है प्रोफेशनल आर्मी का होना, जो कि पाकिस्तानी आर्मी कहीं से भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी सेना की जब किरकिरी हुई, जब उसका झूठ पूरी दुनिया के सामने आ गया, तो आखिरकार उसे मानना पड़ा कि उसके सैनिक करगिल जंग में शामिल थे। ये वीडियो एक और सबूत है भारत की सेना के प्रोफेशनल होने का। हाथों में सफ़ेद झंडा लिए जो ये जवान दिख रहे हैं ना आपको, वो आपकी ही सेना के जवान हैं। ये अपने मारे गए साथियों के शव लेने आए थे, भारत की सेना ने पूरा सम्मान किया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना के अधिकारी और जवानों ने भी सैल्यूट किया। ये है हिंद की सेना। लेकिन पाकिस्तान की सेना कैसी है, इसका एक और सबूत देते हैं। पाकिस्तानी सेना की मेंटल ग्रोथ हुई ही नहीं, वो कोई ऑपरेशन ढंग से प्लान ही नहीं कर सकते। उनका दिमाग इतना तेज ही नहीं है कि बड़ा ऑपरेशन तो छोड़िए, छोटा ऑपरेशन भी प्लान कर पाए। ये हम नहीं कह रहे, ये पाकिस्तानी सेना के अफसर और पाकिस्तान की सरकार में रहे लोग कह रहे हैं। फौज के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं था। एक तो फौज के अंदर सिर्फ 4 लोगों को या 5 लोगों को मालूम है सीनियर लेवल, बाकी कोर कमांडर्स को नहीं मालूम। फिर आर्म फोर्सेस, इसके 3 शाखें, बरी, बहरी और फिजाई। बरी फौज के कमांडर्स और 4 लोगों के अलावा फिजाई और नेवी वाले को तो मालूम नहीं। मुशर्रफ साहब बार बार कहते हैं कि ये फौजी कामयाबी थी जिसे सफारती और सियासी महाज पर नाकामी में बदल दिया गया। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था, और इनका ख्याल ये था कि जून से पहले जो है उसको दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि आप यहाँ पर आकर बैठ गए बर्फ में। हाँ तो फ्रेंड्स, ये हमने
आधा वीडियो पर रिएक्शन दिया है, पार्ट टू हम जल्दी ही बनाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी है, इसलिए हमने और ये तो हम लोगों को भी पता है, क्योंकि ये तो लड़ाई हमारे सामने ही, मतलब हम लोग के सामने सामने ही हुई थी। हम लोग उस टाइम, हमारे घर में टीवी नहीं था, हम रेडियो में सुना करते थे फ्रेंड्स, हमारे मम्मी क्या के आज हमारे भी काफ़ी सैनिक फ्रेंड्स शहीद हो गए थे, लेकिन कारगिल जो जंग थी, लड़ाई थी, जो भी है वो हमने ही जीती थी फ्रेंड्स, क्योंकि हमने काफ़ी चोटियों पर हम लोगों ने कब्जा किया था, जिन लोगों ने, उन लोगों ने दगे से कब्जा कर लिया था हम लोगों की चौकियों पर, तो वो सब हम वापस ले आए थे, जो हमारी जो चौकियाँ थी फ्रेंड्स। और इसमें पाकिस्तान आर्मी का ही बताया गया कि ये अनप्रोफेशनल है, और हम भी उस टाइम सुने थे कि जो उसकी जो उसका मतलब आर्मी, उनकी आर्मी जो सैनिक है वो शहीद हो रहे हैं, उनको भी वो लोग नहीं ले जा रहे हैं फ्रेंड्स, फिर तो दुनिया भर में उसका मजाक उड़ा। फिर उसके बाद ये लोग तो, फिर पहली बात ये लोग तो जंग होती है तो मानते ही नहीं हैं कि हम लोग, हमारे साथ मतलब जंग वगैरह कुछ हुई है, या अगर जंग हो भी जाए, दुनिया को पता भी चल जाए कि ये इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है, हमने जीती है। आगे भी हमने एक वीडियो देखा, उसमें भी पाकिस्तानी जनता बोलती है हमने जीती है। तो आज तक जितनी भी पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई है, उसमें तो हम लोग नहीं सुने कि कभी पाकिस्तान जीता हो, हम लोगों ने ही जीती है फ्रेंड्स। और इसमें और बताया गया कि उनके पास तो सप्लाई नहीं थी, नहीं अनाज की नहीं थी, बुलेट्स की नहीं थी, गन्स की नहीं थी, हथियारों की नहीं थी, तो लोग कैसे इसमें जीतते कारगिल में, वो लोग बोल रहे हैं कि एक लड़ाई को छोड़ दे तो हम सभी जीते थे, उनकी जनता बोल रही है ये, तो इसमें सप्लाई नहीं थी, और हमारे तो जो बूफर क्या वो गन बोले तो वो गन तक हमारी तो चोटियों पे पहुंच गई थी, सप्लाई हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग थी वो पहुंच गई थी, तो आप ही अंदाज़ा लगा लो फ्रेंड कौन जीता होगा। और हमारी तो एयरफोर्स से थी, वो लोग तो अपने बंकर से निकल ही नहीं पा रहे थे, अगर निकलेंगे तो ऊपर हमारी एयरफोर्स थी, हमारे एयरफोर्स उड़ रही थी तो उसको मार के गिरा देती, तो आप ही अंदाज़ा लगा लो कौन जीता होगा फ्रेंड्स। हम ही जीते हैं, हिंदुस्तान ही जीता है पाकिस्तान से हर एक लड़ाई में, जहाँ तक हम लोगों को पता है। और हम लोग इंडियंस कभी झूठ तो बोलते नहीं हैं, वो भी आपको पता है फ्रेंड्स। तो हमारे सब पढ़ने में ये सब, हम लोगों को सच्चा इतिहास पढ़ाया जाता है फ्रेंड्स, हमारी पढ़ाई में, पाकिस्तान में तो हम लोग सुने हैं कि यही पढ़ाया जाता है कि इंडिया हर लड़ाई हमसे, हर जंग हमसे हारा है, और एक ही हम आज तक लड़ाई मतलब हारे थे चीन के सामने 1962 की लड़ाई, वो भी इसलिए हारे थे हम लोग, क्योंकि अभी हमारा विभाजन हुआ था, हम लोगों को इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तभी हमारे अच्छी कंडीशन में नहीं थे हमारे जो सैनिक थे, इस वजह से हम लोग वो मतलब थोड़ी 1920 से इधर उधर हो गया, वरना इंडिया आज तक कोई लड़ाई हारा नहीं है फ्रेंड्स। और आपको सेकंड पार्ट हम जल्दी ही लेके आएंगे फ्रेंड्स, और आपको भी अच्छा लगा हो, ये ओरिजिनल वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे फ्रेंड्स, आप ज़रूर देखिए ओरिजिनल वीडियो भी, और डिफेंस डिटेक्टिव की ये वीडियो है फ्रेंड, बहुत अच्छी वीडियो है ये, और हमारा भी वीडियो अच्छी लगती हो, आगे भी हमारी बहुत सारी वीडियो है फ्रेंड्स, आप देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए फ्रेंड्स। और आपको ये रिएक्शन भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड, और आपको कोई रिएक्शन करवाना है इसे कमेंट्स भी कीजिएगा और बेल आइकन भी क्लिक कीजिएगा, ताकि हम लोग जो वीडियो भेजे आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और आपको कोई वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड शेयर भी जरूर करना। बाय बाय, अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। जय